आप देख रहे P20 न्यूज़। अगर किसी राशन डिपो स्वामी के खिलाफ 500 से ज़्यादा शिकायत हुई हो और वही राशन डिपो 10 से ज़्यादा बार सस्पेंड भी हुआ हो, इतना सब होने के बाद भी डिपो स्वामी आज भी वही डिपो चला रहा है उसी दबंगई से, इसको आप क्या कहेंगे? राशन डिपो स्वामी दबंग है, जिसकी दबंगई के आगे जिला पूर्ति विभाग भी नतमस्तक है, या फिर जिला पूर्ति विभाग ऐसे ही दबंग डिपो स्वामी चाहता है गरीबों को डराने के लिए। अब खबर विस्तार से। जनपद सहारनपुर के एक गांव हलालपुर में एक दबंग राशन डिपो ने कुछ इस तरह की दहशत ग्रामवासियों में पैदा कर दी कि ग्रामवासी बूढ़ा हो या जवान, महिला हो या पुरुष, डिपो स्वामी की दहशतगर्दी के सामने थर थर कांपते हैं। आखिर क्यों ना कांपे, कांपना जरूरी है, क्योंकि जो भी राशन कार्ड धारक डिपो स्वामी की घरतोली राशन कम देने को लेकर पूछने की हिम्मत दिखाता है तो ये राशन डिपो स्वामी उसी का कार्ड जिला पूर्ति विभाग से बोलकर कटवा देता है, इसलिए डरना जरूरी है जनाब ग्रामवासी। ये भी बताया गया कि जिसके भी राशन कार्ड कट जाते हैं उस ग्रामवासी का कार्ड दोबारा बनवाने के लिए ये डिपो स्वामी ग्रामीणों से फिर से 5,000 रुपया मांगता है। ग्रामीणों द्वारा ये भी बताया गया कि लॉकडाउन के बाद ये डिपो स्वामी केवल चावल ही दे रहा था, पूछने पर बोलता है कि जब गेहूँ नहीं आता सरकार की तरफ से तो केवल चावल ही आता है, और चावल भी अगर किसी की 7 यूनिट है तो उसको काट कर 4 यूनिट ही राशन देता है। सहारनपुर से लक्ष्मी बड़ौनी की रिपोर्ट। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा उषा है जी। क्या समस्या है आपकी? हमें यह समस्या है जी, हमारी 6 मिनट थी इस, हम इस कांड लगे मान सिंह को, हमारी 6 मिनट है, हमारा पूरा राशन दो, तो इसने हमें यह धमकी दी जो राशन कार्ड नहीं रहने का तो कैसे राशन लेकर जाएगी। तो फिर हमने बोला सर, मगर ठीक है, तो हमें 6 मिनट पे इसने दिया 18 किलो राशन। अच्छा। तो फिर हमने इसकी कंप्लेन की, तो उसके बाद हमारा राशन कार्ड इसने कटवा दिया। अच्छा, अभी? हाँ जी, कंप्लेन के बाद। हाँ जी, अब क्या कह रहा? अब तो वो ये कह रहा, तो देख 10,000 रुपए दे, हम जो देख था राशन कार्ड कौन बनवाओगा, मेरे बिना राशन कार्ड नहीं बनवा सकते। नहीं, 10,000 रुपए किसको दे? जो कोई भी राशन बनवा सका तो थारा, उन्हें बोल रहा था। ठीक, हम इसके पास गए, जो राशन हमारा राशन कार्ड चढ़वाया। कितने परिवार है आपका? मेरा 6 मिनट है जी। अच्छा, 6 मिनट कटवा दिया। दो के नाम कटवाए जी, पति का और लड़के का। अच्छा, अब सबके कटवा दिए? जो सारा ही कटवा दिया। देखिए जी, क्या समस्या है आपकी? हमारा राशन नहीं दे रहा ना, दूसरा लेते जा राशन कार्ड मारे कर दे रहा, लेने जा जा तब लोग और ले गए। और कौन ले गया, मतलब आपके घर से? नहीं, दूसरे ले गए, दूसरे की कर ले जा, कोई और नो बताओ जी। अच्छा, राशन देता नहीं? देता नहीं है, 4 महीने पहले गए, 2 बार दिया, फिर बन दिया। जब हमने क्या नाम शिकायत करी तो हमारा राशन कार्ड कटवा दिया, कहा जो थारे पे होता कर लो। पैसे ही मांग रहा? पैसे मांग रहा 5,000 रुपए कहेंगे राशन कार्ड बनाने के। अब जी राशन कार्ड बनागा, 5,000 रुपए दो, राशन कार्ड बनवा जाएगा। कवरपाल जी, हलालपुर जी, समस्या है, कार्ड हमारा काट दिया गया है, अभी के काटा है, 3 दिन तक के हमें बुलाया गया कि गुंडा लगाओ, भी राशन ले जाओ, बाकी राशन हमें कुछ नहीं मिला। किसने काट दिया? मान सिंह ने काटे है। क्यों काट दिया? क्या पता है क्यों नहीं काटे जी, हमें तो पता नहीं, बाकी तीसरे दिन हमने पता लगाया कि कट चुका है राशन कार्ड, तो हमने कहा भाई ये राशन कार्ड, और कहने लगा कागज ला दियो, मुझे 3 महीने बाद चढ़ेगा, 3 महीने बाद। फिर उसके बाद हम अगले दिन डीएम के यहाँ गए, अभी उसकी क्या जन सुनवाई पर गया कागज वहाँ से। उससे पहले राशन सही मिल रहा था? उसके पहले राशन कम ही दिया था, 5 किलो तो कम काट के दे। हाँ जी, सबको काट के देता है। क्या मिलता था राशन? है चावल, चावल मिलता है, गेहूँ नहीं मिलता जी। क्या आपका जी, क्योंकि लॉकडाउन से चावल ही चावल दे रहा, और जगह मिलता है? हाँ जी, ये नमक भी नहीं देता, चीनी भी, चीनी नमक भी जो आया ना वो भी नहीं देता जल्दी से। आप लोग पूछा तो कुछ नहीं इस बारे में? भाई यही आ रहा है, क्या कहे वो, कहता है कि भाई ये मुझे कुछ नहीं बचता है इसमें, ऐसा कहता है। मेरा नाम सुरेंद्र है जी। कौन सा गांव है? हलालपुर जी। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या जो है जी, इसने हमारा राशन कार्ड काट दिया और 5,000 रुपए मांग रहा है जब चढ़ेगा।
और हर आदमी से अनाज काट रहा है, एक धड़ी दो धड़ी चार धड़ी तक काट रहा जी। क्यों काट रहा है मतलब ये जो अनाज नहीं कटवाते तो उसका राशन कार्ड ही काट देने का मेरे हाथ में सब कुछ। और 25 बीघे जमीन ले ली इसने डीलर ने, और रिक्शा चलाता था जो इसका पापा, और 5 गाड़ियां ले रखी टाटा सुमो बलेरो, और 3 बसें चला रखी जी, और रानी बाजार में भी 3 मंजिल बिल्डिंग ले रखी जी इसने, और यहाँ वर्धमान में भी कॉलोनी में वो काट रखी जी इसने, प्लॉटिंग कर रहा लेके प्लॉटिंग का काम, और अपनी वो बना रखे मकान इसने। यहाँ भी लिए जी जब से कोटा चल रहा है, वरना कुछ नहीं था इसके पास, रिक्शा चलाते थे, इनका कच्चा घर था जी, बहुत बुरा हाल था। और आज इसने आधा गांव खरीद लिया, और यहाँ भी बहुत प्लाट ले लिया 200 हलालपुर में, इतनी प्रॉपर्टी आ गई इसके सब पास। अच्छा, तो आपने शिकायत भी करी? अजी शिकायत सारे कहीं करे, कोई सुनता ही नहीं ना जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। हाँ जी राशन कार्ड काट दिया, बहुत बुरा हाल कर रखा जी, और मेरा नहीं जी सैकड़ों लोगों के काट दिया लालपुर में। 5000 रुपए मांगे जी, नुकै जब चढ़ागा ये हमारे पास है नहीं जी, हम गरीब लोग हैं तो कहाँ से लाए। उसने ही मान सिंह ने मांगे जी, मान सिंह मलियान ने। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि जी सबका राशन कार्ड हो जाए, चढ़ जाए, और सबको राशन पूरा मिले, किसी का कम ना मिले जी, ये चाहते हैं। और कोटा जाना चाहिए जी इस हर हालत में, हम ये चाहते हैं, चाहे किसी पर चले जाए कोटा, लेकिन इस पर न रहे जी। ये है हमारी वो जी जांच अधिकारी आना जी, वो पैसे दे दाखा वो करते है बस, हर बार बहुत बार आ लिया जी जांच अधिकारी इसके, 50 बार हो चुका जी चेक इन पे आ गया, और 22 बार ये सस्पेंड हो चुका, तो पैसे दे दे ना बस बैठा कर गले पर बैठा दे, अगले बैठे रहो और बस शाम को चाय पानी पिला कर उन्हें भेज दे जी, ऐसा करे जी। वो कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसने तो पिक्चर भी घटा दी, जैसे पिक्चर में दिखावे ना उन्हें भी पीछे छोड़ दिया जी, इसने पिक्चर को पिक्चर में रोल करे हीरो जैसे, उन्हें भी छोड़ दिया, अमरीश पुरी की दाल गद्दारी कर रहा जैसे अमरीश पुरी गद्दारी कर रहा ना फिल्मों में, ऐसा चला रखा है नाल गाँव का जी। आपका नाम? कौशल। क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है, हम राशन लेने गए तो क्या नाम हमारा राशन नहीं दिया, चार धड़ी है हमारा, तो हमें 3 देता है, जो हमने मांगा है तो पूरा अपना हक दोनों का है कि यही मिलेगा, 3 धड़ी लेती हो लो, नहीं लेती ना लो, एक धड़ी काट कर जीव दूंगा मैं। अच्छा, राशन डीलर कौन है आपके यहाँ? मनवा मान सिंह। अच्छा हाँ जी। अच्छा नु कहा है जो लेती हो ले लो, नहीं तो बाहर जाओ। अच्छा, फिर आपने कहीं शिकायत नहीं? फिर मैंने शिकायत कर दी तो हमारा राशन कार्ड ही कटवा दिया मान सिंह ने। हाँ जी। क्या कर दिया आपने वहाँ डीएम के यहाँ? अच्छा, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? कुछ नहीं कार्रवाई हुई हमारी। अच्छा, अब क्या कह रहा? ये भी कह रहे है क्या नाम राशन कार्ड देखा थारा कौन बना देगा, मैं कटवाऊंगा, 5000 रुपए मांगता है राशन कार्ड चढ़ाने के लिए। बनवाने के दोबारा? हाँ। कौन? मान सिंह। अच्छा, राशन भी कम देता है? राशन भी कम देवा है। क्या आप लोग आवाज नहीं उठाते इसकी? आप कहते हैं उसे? जो आवाज उठा रहा है तो उन्होंने कहता है अब भागो यहाँ से, यहाँ कोई राशन नहीं है, 2 दिन और 2 दिन राशन बांटता है, उसके बाद देता भी नहीं, किस तरह चले जाओ। क्या नाम है? अनीता। अनीता, क्या समस्या है आपको? हमारा 25 किलो अनाज बैठता है जी, हमें 15 किलो देता है, हमें जब ले कमा तो नुका इतना ही मिला, इतना ही आ रहा था हमारा। अच्छा। हाँ, हमें देता नहीं है जी, तो नुका लेना हो ले लो और नहीं लेते तो छोड़ दो। चावल चावल दे रहा जी? चावल चावल दे रहा है। हाँ जी। आप कहते नहीं उसे कमाए जी, नुका जो आ रहा है वही तो दूंगा मैं, नुका है चावल दे रहा आपको जीव से चावल चावल चल ले दे रहा है, जो भी मिल रहा है वही ले लो नुका। कितना समय हो गया चावल चावल? कितने महीने? एक साल हो गया होगा। एक साल सारा एक इस तरह दे रहे हैं चावल चावल के बाद वो चावल दे रहा।